तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी तरह का फेस वाइट और फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा और इस तरह की कलर ग्रेडिंग सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली आपने पहले लाइटरूम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, फिर इसको ओपन कर लेना है। फिर आपने नीचे ऐड वाले आइकन पर क्लिक करना है और अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। मैंने फ़ोटो ऐड की हुई है। फिर आपने ऑल फोटोज़ पर क्लिक करना है और उस फ़ोटो को आपने ओपन कर देना है। उस फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपने नीचे प्रीसेट वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर आपने ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। फिर आपने इंपोर्ट प्रीसेट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का फ़ाइल ओपन हो जाएगा। फिर आपने उस फाइल को ढूंढ लेना है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने इस तरह से ऐड कर लेना है। तो ये लाइटरूम के प्रीसेट हैं। फिर आपने सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट ऑल कर देना है। फिर आपने इन के फोटोग्राफी प्रीसेट है, इस पर क्लिक करना है और एक एक प्रीसेट आपने अपनी फ़ोटो पर अप्लाई करना है। तो जो प्रीसेट आपको अच्छा लगे आपने अपनी फ़ोटो पर वो वाला प्रीसेट लगा देना है। तो मुझे जो प्रीसेट अच्छा लगेगा मैं वो इस फ़ोटो पर लगा दूंगा। तो सिंपली मैं वो ही प्रीसेट लगा देता हूँ इस फ़ोटो पर जो मैंने थंबनेल पर लगाया हुआ है और इस फ़ोटो को एडिट किया है। तो मैंने ये लगा दिया है। फिर आपने ऊपर ओके पर क्लिक करना है। फिर आपने कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मिक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ब्लू, इसकी सिचुएशन को आपने ज़्यादा कर देना है। ब्लू की सिचुएशन को आपने ज़्यादा कर देना है। उसके बाद ऑरेंज के ल्यूमिनेंस को आपने बढ़ा देना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से। तो मैं अपनी फ़ोटो के हिसाब से इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने डन पर क्लिक करना है और इस फ़ोटो को सेव कर देना है। तो मैं इस फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली इस फ़ोटो को शेयर कर देना है स्नैपसीड ऐप में। तो ये ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये सब ऐप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। फिर आपने टूल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेलेक्टिव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फ़ोटो को जूम करना है और होल्ड करना है और फोटो फेस के सेंटर पर इसको छोड़ देना है। उसके बाद जूम आउट और जूम से इसको इस तरह से सिलेक्शन कर देना है। फिर आपने राइट और लेफ़्ट से इसको एडजस्ट करना है। तो मैं जिस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ आपने भी इसी तरह से ब्लैक ब्लैक एरिया को आपने सेलेक्ट करना है और इस तरह से इसकी ब्राइटनेस को आपने बढ़ा देना है। तो मैं फटाफट से सब कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका फेस स्मूथ हो गया है। फिर आपने इस फ़ोटो को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने एक दूसरा ऐप है विविड, इस ऐप को भी आपने डाउनलोड कर देना है। फिर इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने ऊपर क्रॉस पर क्लिक करना है। क्रॉस पर क्लिक करने के बाद आपने इस वाले टेम्पलेट पर क्लिक करना है। फिर आपने उसी फ़ोटो को सेलेक्ट कर देना है। तो मैं उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा, उसके बाद आपकी फ़ोटो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इससे आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा HD हो जाती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा HD हो गई है। उसके बाद नीचे आप लोगों को दो और ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपने सेकेंड वाले पर क्लिक करना है। तो ये आपको ज़रा और HD फ़ोटो करके दे देगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और भी HD हो गई है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे पहले वाली चाहिए। तो इसके बाद उसी पर क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इस फ़ोटो को सेव कर देना है और एक ऐड आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद ये सेव हो जाएगी। तो उसके बाद आपने फिर से इस फ़ोटो को शेयर कर देना है स्केचबुक ऐप में। ये ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और फिर इसमें अपनी फ़ोटो को शेयर कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसी लेयर पर क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट लेयर कर देना है। उसके बाद आपने पिंसल वाले आइकन पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से टूल्स आ जाएंगे। तो
सेकेंड लाइन में सेकेंड ब्रश को आपने सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना है और यही सेटिंग आपने कर देनी है। साइज़ को कभी आपने कम ज़्यादा करना है और फिर अपनी फ़ोटो को जूम करके आराम आराम से पेंट करना है। तो मैं फटाफट से पेंट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आखिर में रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो हमारी फ़ोटो का जो फेस है वो भी स्मूथ हो गया है। फिर से आपने लेयर पर क्लिक करना है और फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना है और ओपसिटी को आपने कम ज़्यादा करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़ोटो का फेस स्मूथ हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।